हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? या मजे में चाहिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स, खुश रहो, बुल्ले लुटो। फिर कहता हूँ, चार दिन की जिंदगी है और दो दिन निकल गए, तो जो दो दिन बचे हैं तो हंस खेल के बिता लो ना यार, क्या किसी से जलना और क्या किसी से सड़ना। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपको छोटी हवेली, जो कि अशोक नगर में पड़ती है। ये सुभाष नगर तिहाड़ गाँव के अंदर बहुत बढ़िया इन्होंने इंटीरियर बनाया है दोस्तों, बहुत बढ़िया मतलब इंटीरियर है। और ओपन में टेरिस का मज़ा दे दिया है इन्होंने, ग्राउंड फ्लोर पे टेरिस का मज़ा। यही है छोटी हवेली की खासियत कि ग्राउंड फ्लोर पे टेरिस का मज़ा। और ओपन में लगा दिए भाई साहब ने तीन तीन चार चार एसी, साथ में पंखे और पता नहीं क्या क्या, मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तो बस इंजॉय करते हैं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आराम से। आ जाओ। वो कोने वाला सीट चलो। वो कोने वाली अपनी है सारी। आ जा बेटे। ये कोने वाली सारी अपनी है, आराम से बैठना। कैसे? हाँ, चावल मिलेंगे बेटा। देखो इसमें, देखो क्या चाहिए। ये चाहिए? क्या चाहिए? ये चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, पनीर रोटी खिलाऊंगा आपको पक्का। छत का आइए। ये क्या है? पनीर टिक्का, चटपटी चाप। बेटा आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हो? बढ़िया। अभी आ रही बेटा, चौमिन भी आ रही है। ये बच्ची खाएगी, बच्ची खाइए जरा। या मेरी भी लगाओ, उसकी बात है। या मेरी भी लगाओ। क्या था? चिली चाप, सोया चिली चाप। मजा आ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, टेस्ट बढ़िया भी लग रहा है।
लगा जी? दीदी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, चलो आ जाओ। खाना खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली सेवा आफ्टर सेवा हम लोग बैठे हैं नरेश अग्रवाल जी के यहाँ, जो कि छोटी हवेली के करता धरता है। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। और वाकई में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यार, भैया ने मतलब एक भी पैसा नहीं लिया, थैंक यू सो मच है इस चीज़ के लिए। बात कर दी सर, इन बच्चों की आशीर्वाद से, परमात्मा के शुक्राने से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल सर, ये आपकी और मेरी सोच बड़ी मिलती जुलती है। और भगवान यार कभी मतलब कसम से सर, मेरे को भी ऐसे लोगों के पास ही भेज देता है ऑटोमेटिकली, कि जिनकी सोच मिलती रहती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और यही चैत कहते हैं ना कि शाम को पीने वालों को पीने वाले मिल जाते हैं, तो अच्छे लोगों को अच्छे भी तो मिलते हैं। लोग मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो नरेश जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाइए आप अपना, कि कैसे सोचा मन में आया कि एक ऐसी चीज कर दी जाए, एक टेरिस का मजा मतलब ग्राउंड फ्लोर पे कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने इस हवेली को खोलने का सोचा तो हमारे पास तीन बातें थी जिन्होंने मेरे को खोलने के लिए प्रेरित सा किया। सबसे पहले तो एक दिन मैं अपने बेटे के साथ मुरथल खाना खाने गया, जहाँ पर मुझे 2 घंटे वेट करने के बाद भी नंबर नहीं आया। तो बेटे ने तुरंत कहा कि पापा वापस चलते हैं। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा हो जहाँ पर दिल्ली वाले दिल्ली के अंदर ही मुरथल का मजा ले सके। तो ये सोच के मैंने छोटी हवेली यहाँ खोली। मतलब भैया बेटे ने बोल दे रहे, पापा ने कहा बेटा हवेली यहीं खोल देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात कि मैं चाहता था कुछ ऐसा हो कि नाम के साथ साथ कुछ हमें मजा सा आए, कुछ फार्म हाउस का, लॉन का, मिनी लॉन का। तो मैंने वो वाला आनंद यहाँ पर देने की कोशिश की। आप पास हो गए सर उसमें, पक्की बात, 100%। और तीसरी बात ये थी कि मेरे खुद के जो अंकल हैं वो कहते थे कि यार फूड लाइन में भी काम करके देखते रहो, मजा आएगा। क्योंकि जब किसी को खिलाते हैं ना, और वो कहता भाई खाना बढ़िया है, वो सिर्फ पैसे नहीं दे के आता, दिल से वैसे दुआएं भी बहुत दे के आता है कि बेटा हवेली बड़ी हो जाए। तो आप यकीन मानो उसका जो आनंद आता है ना सर, वो मजेदार होता है, पंजाबी वाला। क्या बात है, मजेदार। वही आपने भी देखा दोस्तों कि किस तरह से इनका इंटीरियर था, मैंने आपको प्रॉपर दिखाया, और दिल तो बहुत खुला ही है नरेश जी का, बहुत प्यारे नेचर के बंदे हैं। और जिस तरह से 1, 2, 3 AC लगे हैं ओपन में, और ये तो बड़े बड़े पंखे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, ये भी लगे हैं, मतलब आपको गर्मी का कोई एहसास नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताऊँ आपको दोस्तों, तो आपको सर्दी में ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल, हमने सर्दी के अंदर यहाँ पर लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। आपको पीछे बता दूँ कि जब लोग खाना खाने आते तो अक्सर पूछते बारिशों में आप लोग क्या करने आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो ओपन स्पेस है, यहाँ पे अम्ब्रेला लगाते थे और लोगों ने यहाँ बारिश को एंजॉय किया खाना खाते वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने इतना एंजॉय किया, बारिश आ रही है और आप लोग खाना खा रहे हैं, भाई साहब लोगों छतों पे गए हुए जमाना हो गया सर, खुला आसमान देखने को मिलता है दिल्ली में, ग्राउंड फ्लोर पे छत का मजा दे दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, खुले आसमान के नीचे बैठ के आनंद लो। तो हमारे 40 लोगों की सीटिंग है, 40 आदमी एक साथ बहुत कम्फर्ट जोन के अंदर खाना खा सकते हैं। पार्टी का ऑर्डर भी आप बुक कर लेते हैं? हाँ, अगर हम पार्टी बुक करते हैं तो 20 से 25 लोग हम पार्टी बुक कर लेते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं कोई गेस्ट अगर बाहर से खाना खाने आ रहा है, हमने पार्टी बुक करके तो वापस ना जाए, मतलब 20 बंदों की गैदरिंग आप बुक कर लेते हैं। बिल्कुल बुक कर लेते हैं, और बहुत रीजनेबल प्राइस में, मतलब एक आइडियल प्राइस आपने करी होगी, आप करते रहते हो, तो उनका बिल कितना आ जाता है? जब हम अपने आला कार्ड से करते हैं कुछ कस्टमर, तो उनका अप्रोक्स पर हेड 300 रुपये में केंद्र बहुत ज़्यादा एंजॉय करके आते हैं। अगर 20 लोग आते हैं पार्टी करने के लिए 300 रुपये में पर हेड। हाँ, और अगर हम पार्टी बुक करते हैं तो हम 550 रुपये, 550 रुपये पर हेड। हाँ, बिल्कुल, वो अनलिमिटेड हो गया। अच्छा, वो आप प्लेट सिस्टम में? प्लेट सिस्टम में 550 रुपये के हिसाब से करते हैं, और ये फ्राइडे तक रहता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे थोड़ा बढ़ जाता है। बल्कि हम 1 तारीख से यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी चालू करने जा रहे हैं, मुरथल वाले परांठे। क्या बात है भाई साहब, गोभी के, आलू के, प्याज के, मूली के, दही के साथ पूरा, भाई साहब ने पूरा आनंद दे देना जबरदस्त तरीके सर, मुरथल वाला। क्या बात है, आपको मुरथल जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं आए और पूरा आनंद लें। और सर्दियों के अंदर हम यहाँ पर कुछ सिस्टम लगाएंगे जिससे कि लोगों को मजा आएगा ओपन में बैठने का, पूरा आनंद लेंगे। मतलब अभी भी भैया ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर कुछ और बेहतर कर दे, कमाल की बात, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बेहतर। यही सोच आदमी को आगे लेके जाती है। नरेश जी आपकी सोच बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि हम अपने चैनल पे आपकी ये रिकॉर्डिंग कर सकें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सर। ये स्टाफ है भाई छोटी हवेली का, क्या बात है, क्या बात है। तो इनके बीच में जो खड़े हैं, जो थम थम कर रहे हैं, ये राजू जी यहाँ पे फ्लोर मैनेजर, और बाकी इनकी टीम है। हेलो, ये कह रहे हैं कि ये हेड शेफ है मिस्टर आशीष, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा भी आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों फाइनली हमारा खाना लग चुका है और राजू जी हमारे साथ हैं, और पीछे देख रहे होगे आप भाई मामला हो गया हाउसफुल, तो हमारे लिए स्पेशल टेबल लगाइए पहले, थैंक यू भैया।
थैंक यू वेरी मच सर। आप बताइए कि ये जो थाली है मैंने अभी दिखाई है जो दर्शकों को, ये कितने की पड़ेगी? ये सर जस्ट फॉर रुपीज़ आपका 230 का पड़ेगा। इसमें आपका तीन सब्जियाँ आ जाएंगी, जिसमें एक शाही पनीर, एक दाल मखनी, एक मिक्स वेज, प्लस रायता, प्लस पुलाव, प्लस 2 बटर नान्स, सैलड्स एंड 1 स्वीट डिश। कोई इकोनॉमी थाली भी आपके पास? हाँ, इकोनॉमिक 170 की भी हमारे पास थाली है, जो चाप थाली और लच्छा पराठा थाली है, सेम प्राइस में है वो दोनों। उसमें डिफरेंट सब्जियां हैं, एक में चाप हो जाएगा, एक में आपका शाही पनीर, एक में दाल मखनी, एक शाही पनीर, और प्लस रायता, प्लस सैलड, प्लस लच्छा पराठा। और उसमें स्वीट और ये नहीं होगा? नहीं होगा, और पुलाव नहीं होगा। पुलाव नहीं होगा सर। थैंक यू राजू जी, थैंक यू वेरी मच सर। बस भैया 2 मिनट पकड़ रखना। तो सबसे पहले हम इनका स्पेशल यार एक कबाबी टेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, और चटनी के साथ टेस्ट करते हैं। यूनिक, इन्होंने लेमन भी दिया साथ में, तो लेमन लगा लेते हैं इसके ऊपर प्लेटर पे। और प्लेटर में हम पनीर पहले चेक कर चुके हैं हम बच्चों के साथ, और चाप भी। तो एक मशरूम ट्राई करते हैं हम, तो हम मशरूम ट्राई करते हैं दोस्तों। और इनके मलाई पनीर, तो ये प्लेटर वाज गुड। अब बारी आती है इनकी थाली की दोस्तों, तो फटाफट हम इस थाली को टेस्ट करते हैं। और मेरे को भी यार बहुत भूख लग रही है, क्या बताऊँ आपको, मैं फटाफट खाने वाला हूँ ये वीडियो के बाद, देखना। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं ये जो है चाप थाली। अगर लेनी है आपने तो, इन्होंने हमने अलग से सब्जी मंगाई थी चाप टेस्ट करने के लिए। रिव्यू सबका इकट्ठा दूंगा, मैं बाइट ले लूं पहले। तो अब लेते हैं मिक्स वेज की एक बाइट। वाह भाई वाह, मैं अब लेते हैं शाही पनीर वाली। और दाल जो है हम चावल के साथ ट्राई करेंगे। वाओ, और इन्होंने साथ में मीठा भी दिया दोस्तों। तो फाइनली लेने के बाद ये है दोस्तों, फूड बिल्कुल पास है, मस्त है, और लोकेशन इससे भी मस्त है, जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे कि मामला एकदम फुल चल रहा है दोस्तों। ये खड़े होने की जगह नहीं थी, हमें स्पेशल जगह दी गई है। अगर आपको ये लोकेशन अच्छी लगे तो मुझे बताना, लाइक करना यार, और बता दिया करो, मनोबल बढ़ा दिया करो कि आपको एक लोकेशन कैसी लगी। आपको इस लोकेशन पे आना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस और लोकेशन दे दूँगा, यस, हमेशा की तरह। चलो दोस्तों, बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी मनोबल बढ़ाते रहो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।